क्लास सिक्स एसएसटी सिविक्स चैप्टर वन। पिछले क्लास में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया था। आज आर्ट एंड आर्किटेक्चर डाइवर्सिटी, कला और वास्तुकला में विषमताएं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री टू एग्जिस्ट विदाउट हैविंग इन्फ्लुएंस्ड ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो बिना कला और वास्तुकला के भारतीय हमारे देश के सांस्कृतिक विषमताएं असंभव है। रॉक्स पेंटिंग, कैप पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा एंड बाग एंड टेंपल पेंटिंग्स आर अर्लीस्ट पेंटिंग विच आर प्रूफ द लव्स ऑफ आर्ट। कला से लोगों को कितना प्रेम है, प्यार है, यह तुम्हें रॉक पेंटिंग, कैप पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा बाग और टेंपल पेंटिंग सबसे पुराना पेंटिंग देखने को मिलता है। द अर्ली एंड मेडिवल आर द मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू बुद्धिस्ट और जैनिज। पहले प्राचीन काल का यानी पूर्व का और मध्य युग तक कला अधिकांशतः हिंदू बौद्ध या जैन को प्रभावित करती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विषमता। The diversity that is found in our country give our nation a very rich cultural heritage। हमारे देश में, हमारे राष्ट्र को बहुत ही सांस्कृतिक विरासतों में भी विषमताएं देखी गई है। In spite of different language, religions and food habit, we have an underlying unity। तो भिन्न भिन्न भाषाएं, धर्म, खाने की आदत, इन सब के होते हुए भी, भिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं। देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज विच बाइंड देम टुगेदर। इतना अंतर होने के बावजूद भी हम लोग एक समुदाय से दूसरे समुदाय के आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। The village community supply food to other towns and it depend on the urban communities to supply it, which clothes, electricity, machine for agriculture, etc. The गांव का जो समुदाय है वह अनाज यानी भोजन एक शहर से दूसरे शहर को भेजती है, जो अर्बन कम्युनिटीज पर निर्भर है। गांव के लोग भी करते हैं, जो वे कपड़ा, विद्युत और मशीन खेती करने के लिए सप्लाई करते हैं। दस दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेरियस नीड्स। भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। दिस इंटरडिपेंडेंस इज व्हाट फॉरेस ए लिंक एंड बॉन्ड ऑफ यूनिटी। आंतरिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन बी फाउंड इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सबसे सुंदर एग्जाम्पल हमें एकता का तो तब मिलता है जब हमारे देश के आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया था, तो उसमें सभी एक दूसरे में के साथ होकर के यह युद्ध लड़ा गया था। द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर्स। अंग्रेज शासन भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। द पीपुल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू ऑल रिलीजियंस कास्ट रीजन रेस एंड एथनिसिटीज केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड इवेंचुअली टू विन फ्रीडम। धर्म, भारत के लोग धार्मिक, जाति, प्रदेश, ये सभी भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी सभी एक होकर के
अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और अंततः हमारे देश के आज़ादी में जीत मिली। सम ऑफ आवर ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर वेयर वोमेन, उनमें से कुछ बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों में महिलाएं थीं। The freedom fighters were inspired by a single vision that a new and united nation. The freedom fighters, यानी स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वे सभी एक होकर के एक नए और भारत एक होने के कारण सभी एकजुट होकर के युद्ध किए। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. The संगीत चिन्ह ये सब भी हमारे देश के आज़ादी के लड़ाई में अपना योगदान दिए और हमारा देश विषमताएं को भी सम्मान से अपने परंपरा में शामिल किए। इन हिज बुक द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू सेड द इंडियाज यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोस्ट फ्रॉम आउटसाइड। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनका पंडित नेहरू का बुक था जो लिखे थे उसमें कहा गया कि भारत एक है, जब भारत एक हो जाए तो बाहरी कोई भी बाहर से हमारे देश पर कोई भी अपना अस्तित्व नहीं बना के रख सकता है। बट डेट इज समथिंग डीपर एंड विद इन इट इट्स फॉल्ड, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो बहुत ही गहराई और से तोड़ मरोड़ कर देखा गया है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम इज प्रैक्टिस एंड एवरी वेरी एक्नॉलेज एंड इवन इनकोरेज। ये सब हम लोगों का ऐसा विश्वास, सभी एक होकर के जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों का विश्वास है कि कोई भी काम हम आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इट वॉज नेहरू हु क्वाइंड द प्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेहरू ने ये भी बताया जो एकता विषमता में एकता है। इट टू डिस्क्राइब द कंट्री एट लेंथ, और इससे हमारे देश का विकास होता है। ये चैप्टर पूरा हो गया। ये नीचे दिया गया है कुछ केस स्टडी केरला, लद्दाख, इन सब के बारे में खुद से पढ़ना है। और एक्शन रिप्ले याद कर लेना।